अच्छा अच्छा सारी जल्दी से फर्स्ट गियर से फुल स्पीड में आना पड़ेगा। अगर यूडी से कोई शिकायत, पार्क में कोई दिक्कत, कोई समस्या आनी चाहिए, तुझे फुल स्पीड में काम करना पड़ेगा ताकि तुझे कल कोई Hi, this is Samriddhi Shukla and you are watching me on Tele Reporter. एक टाइम लाइन पर चल रही हूँ। मैंने खुद से एक वादा किया है कि मैं रात को सारे काम कर लूँगी ताकि सुबह की जो ड्यूटी है, जो अखंड रामायण का पाठ चल रहा है घर पे, तो सुबह मेरे पास कम काम रहे ताकि मैं सुबह थोड़ा सा ब्रेक लेके सो सकूं, क्योंकि रात को मुझे छत्री प्रसाद को चलाना है। मैम, जैसे कि आप कह रहे थे कि लोग अपना परिवार को मतलब पालने के संभालने के दो-दो ड्यूटी करते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट हमारे सेट पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी डबल शिफ्ट्स करते हैं, जो दो शोज हैंडल कर रहे होते हैं, हेयर, कॉस्ट्यूम, मेकअप। तो आई थिंक वो लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, उससे शायद मुझे भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है एज एन एक्टर, बिकॉज हमारी भी शिफ्ट लंबी होती है, लेकिन वो लोग जो मेहनत करते हैं, प्लस हमारे सीन्स और पैकअप होने के बाद हम तो निकल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारी चीज़ें लोड अनलोड, लाइटमैन जो है और मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर, उनको काफ़ी सारी चीज़ें अपने बॉक्स में डालनी होती है, सब सेग्रीगेट करना होता है, तो बहुत मेहनत वाला काम है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मेहनत का काम करते हैं, जैसे रिक्शा वाले, जैसे साबी ने कहा, तो उसे वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा काम, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा घर में मौका मिला है आपको इन सारी चीज़ें करने का और इतनी तेज़ी से करने का? इतनी तेज़ी से मैं कर नहीं पाऊँगी अगर मौका मिले तो भी, लेकिन काम अगर दिया जाएगा तो करूँगी, लेकिन इतनी तेज़ी से शायद नहीं कर पाऊँ। आपके कैरेक्टर को आपको आपके शो के बताया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और उनका जो प्यार मिल रहा है उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं और हमारा शो इतना अच्छा कर रहा है। जो नंबर्स हैं उनसे पता चलता है कि कितना प्यार मिल रहा है, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग आवर शो, एंड बस हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।